भारत एक ऐसा देश है जहां क्रिकेट देखने वाले और क्रिकेट खेलने वालों की कोई कमी नहीं है, और यही वजह है कि भारतीय क्रिकेट टीम आज इतनी सफल टीम बन सकी। न केवल एक फॉर्मेट बल्कि हर फॉर्मेट में इंडियन टीम का लगातार कमाल का प्रदर्शन रहा है। इसके पीछे सबसे मुख्य वजह है भारत की बेंच स्ट्रेंथ। देखा जाए तो भारत में हर खिलाड़ी को रिप्लेस करने के लिए पहले से ही कई खिलाड़ी हैं, और इसी वजह से टीम लगातार कई सालों से क्रिकेटिंग वर्ल्ड में छाई हुई है। टीम में इतने कमाल के प्लेयर्स होने की वजह से अच्छे खिलाड़ियों को भी टीम में खेलने के लिए काफी इंतजार करना पड़ता है, पर आप में अगर टैलेंट है तो आप किसी ना किसी तरीके से अपनी छाप छोड़ ही जाते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शानदार खिलाड़ी की जिसको टीम में आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन जब उन्होंने अपने करियर की पहली बॉल खेली तो उस पर छक्का जड़ दिया और लोगों को बता दिया कि वो कितने शानदार बल्लेबाज हैं। हम बात कर रहे हैं फैंस के फेवरेट कहे जाने वाले सूर्य कुमार यादव की। सूर्य कुमार यादव, ये नाम आप में से ज्यादातर लोगों ने सुना ही होगा। ये डोमेस्टिक क्रिकेट में मुंबई के लिए और आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। इन्होंने अपने कमाल की बल्लेबाजी के दम पर न केवल इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी अपने हजारों फैंस बना लिए हैं। सूर्य कुमार यादव मिडल ऑर्डर के सबसे कमाल के बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, जिसका एक नमूना हम सबने इनकी डेब्यू पारी में भी देख लिया। आप में से बहुत से लोगों ने इनके करियर को तो देखा है पर इनके स्ट्रगल को नहीं। आज की इस वीडियो में हम स्काई के नाम से मशहूर सूर्य कुमार यादव के जीवन की कहानी को जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर ये मुकाम हासिल करा। सूर्य कुमार यादव का जन्म 14 सितंबर 1990 को हुआ। इनके पिता का नाम अशोक यादव, वहीं इनकी मां का नाम स्वप्ना यादव है। सूर्य कुमार यादव के पिता मुख्य रूप से वाराणसी से आते हैं। इनके पिता BARC में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और इसी वजह से सूर्य कुमार का पूरा जीवन मुंबई में ही बीता, क्योंकि इनके पिता ज्यादातर समय मुंबई में ही पोस्टेड थे। सूर्य कुमार यादव को बचपन से ही स्पोर्ट्स का भी काफी शौक था। वो काफी कम उम्र से ही क्रिकेट में काफी इंटरेस्टेड रहते थे। ना केवल क्रिकेट बल्कि सूर्य को बैडमिंटन भी खूब पसंद था और वो दोनों खेल बड़े ही लगाव के साथ खेला करते थे। पर सूर्य कुमार के पिता जानते थे कि अगर सूर्य को किसी एक खेल में आगे जाना है तो उसको सिर्फ एक ही स्पोर्ट पर फोकस करना होगा। और साथ ही में सूर्य कुमार सिर्फ 10 साल के ही थे जब उन्होंने अपने स्कूल की तरफ से खेलना शुरू कर दिया था, और 10 साल की उम्र में ही उनके पिता ने उनको एक क्रिकेट कैंप भी ज्वाइन करा दिया था जिससे वो अपनी स्किल्स को और भी बेहतर बना सके। सूर्य कुमार यादव को क्रिकेट से लगाव तो वैसे ही था, इसलिए वे क्रिकेट को सिर्फ मजे के लिए ही खेला करते थे। इस कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के साथ उनका गेम भी बेहतर होता जा रहा था। जब सूर्य 12 साल के थे तब HS कमात उनके कोच ने उनमें वो प्रतिभा देखी जो व्यक्ति को बड़ा खिलाड़ी बनाती है। कोई भी खिलाड़ी खेल के प्रति डेडिकेशन के दम पर ही बड़ा प्लेयर बन पाता है, और सूर्य कुमार यादव में वो डेडिकेशन थी, खेल के प्रति वो जज्बा था। वो गेम में खुद को बहुत कम उम्र से ही पूरा झोंक दिया करते थे और पूरी पारी को अपनी पूरी जान से खेला करते थे। इसके बाद वो एल्फ वेंग सरकार अकेडमी में चले गए जहां उनको दिलीप वेंग सरकार जैसे कोच से गाइडेंस मिला, और इस गाइडेंस के दम पर सूर्य खुद को बेहतर खिलाड़ी बनाने में लग गए। टैलेंटेड प्लेयर होने की वजह से सूर्य कुमार यादव ने अलग अलग एज के सारे टूर्नामेंट्स खेले, पर उनका सपना हमेशा से ही देश के लिए खेलने का था, और देश के लिए खेलना है तो उनको सर्वश्रेष्ठ बनना था, जिसके लिए वो खूब मेहनत करने लगे। सूर्या को उनकी मेहनत का रिजल्ट 11 फरवरी 2010 को मिला जब वो पहली बार मुंबई की ओर से लिस्ट ए मैच में उतरे। अपने विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में मुंबई की ओर से खेलते हुए सूर्य कुमार यादव ने गुजरात के खिलाफ 41 रन की शानदार पारी खेली। इसके कुछ महीनों बाद वो मुंबई के लिए सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलते हुए नजर आए, जहां वो कोई रिमार्केबल परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। 2010 के अंत में उनको एक बार फिर से अपना जोहर दिखाने का मौका मिला, और दिल्ली के खिलाफ अपने डेब्यू फर्स्ट क्लास मैच में सूर्या ने 73 रन की शानदार पारी खेली। इस कमाल के फर्स्ट क्लास डेब्यू से सूर्य ने बता दिया कि वो कितने कमाल के बल्लेबाज हैं। शानदार डेब्यू के बाद 2011-2012 रणजी सीजन में मुंबई की ओर से सूर्या ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म करा और 9 मैचेस में 754 रन बनाए। इसमें उन्होंने एक डबल सेंचुरी भी लगाई और बताया कि वो किस दर्जे के खिलाड़ी हैं। रणजी में वो मुंबई की ओर से हाईएस्ट रन स्कोरर भी बने। 2011 सीजन में अंडर 23 लेवल पर उन्होंने 1000 से भी ज्यादा रन बनाए, जिसकी वजह से उनको MA चिदम्बरम ट्रॉफी भी मिली। डोमेस्टिक में लगातार शानदार प्रदर्शन की वजह से उनको 2012 में मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में ले लिया, पर बड़े खिलाड़ियों की मौजूदगी की वजह से उनको खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। 2014 के IPL ऑक्शंस में वो कोलकाता नाइट राइडर्स में चले गए, जहां उन्होंने कमाल का प्रदर्शन करना शुरू करा। सूर्या KKR के लिए निचले क्रम में बल्लेबाजी करते थे, जिस वजह से उनका टैलेंट अभी भी पूरी तरह से निखर कर सामने नहीं आ पा रहा था।
2018 के आईपीएल सीजन के लिए वो वापस से मुंबई इंडियंस में आ गए। मुंबई इंडियंस को सूर्या को अपनी टीम में लेने के लिए 3.2 करोड़ देने पड़े। इस रकम के साथ सूर्या उस सीजन के सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर भी बन गए थे। 2018 में उनको मुंबई इंडियंस से खेलने का मौका मिला। इस बार उनको निचले क्रम की जगह टॉप ऑर्डर में खिलाया गया, जिसका उन्होंने बखूबी इस्तेमाल करा और इस अपॉर्चुनिटी का उन्होंने बखूबी इस्तेमाल करा और खूब रन्स भी बनाए। वो अपना प्रदर्शन 2019 और 2020 के आईपीएल सीजन में भी दोहराने में सफल रहे और मुंबई इंडियंस को 2019 और 20 की ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई। डोमेस्टिक और आईपीएल में लगातार अच्छे प्रदर्शन की वजह से उनको इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में ले लिया गया, जहां उन्होंने 14 मार्च 2021 को अपना टी20 डेब्यू किया। इस मैच में तो उनकी बैटिंग नहीं आई, पर जब वो 18 मार्च 2021 को अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड के खिलाफ बल्लेबाजी करने उतरे, तो उन्होंने अपनी डेब्यू इनिंग्स की पहली बॉल पर ही एक शानदार छक्का लगाया और कुछ इस तरह से अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज करा। अपनी डेब्यू इनिंग्स में सूर्या ने शानदार हाफ सेंचुरी लगाई और अपनी टीम को जीत दिलाई। ये सूर्या अभी सिर्फ उदय हुआ है, अभी इसको आगे काफी ऊंचाइयों को छूना है। हम उम्मीद करते हैं वो इसी तरह टीम के लिए आगे भी मैच विनिंग नॉक्स खेलते रहेंगे और हम सबको एंटरटेन करते रहेंगे। तो दोस्तों, यही थी सूर्य कुमार यादव की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं, और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा।